गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टेस्ट क्विज में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है हमारा कक्षा 12वीं का त्रिविमी ज्यामिति, ये इसका 8वां भाग है। इस भाग में हम देखेंगे कि समांतर समतल का समीकरण कैसे ज्ञात करते हैं, समतलों के प्रतिच्छेदी रेखा से जाने वाला समतल कैसे ज्ञात करते हैं, और समतल से बिंदु की दूरी, दो समतलों के बीच की दूरी, ये सब हम देखेंगे। तो समांतर समतल निकालने के लिए, समांतर समतल में क्या होता है, जैसे कि कोई भी समतल है, जैसे पहला का ही हम ले लेते हैं, हमारे पास समतल है r डॉट 2i-j+2k=5। तो इसका समांतर समतल यदि हम लिखेंगे तो समांतर होने की वजह से उसका अभिलंब सदिश वही का वही रहेगा। समांतर होने की वजह से जो इस समतल का अभिलंब है वो उसके समांतर समतल का भी अभिलंब रहेगा, तो ये चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज होगा ये। तो इसके समांतर समतल हो जाएगा, समांतर समतल होगा r डॉट 2i-j+2k=λ, ये हो जाएगा समांतर समतल। अब क्या है, लेमडा निकालने के लिए हमको कुछ कंडीशन देगा। इसमें कंडीशन जो दिया है वो है कि यह बिंदु i+j+k से जाता है, i+j+k से जाता है, तो हम इसको संतुष्ट कराएंगे, r की जगह रखेंगे i+j+k डॉट 2i-j+2k=λ, या लेमडा इक्वल डॉट प्रोडक्ट लेंगे 1 × 2 + 1 × -1, यहाँ -1 है, यहाँ 1 है, +1 × 2, तो ये हो जाएगा 2 - 1 + 2 = 3। तो इस प्रकार हमारे पास जो रिक्वायर्ड समतल है जो इसके समांतर होगा r डॉट 2i-j+2k=3 होगा, ऐसे ये होगा। प्रश्न क्रमांक 2 में कार्तीय रूप में दिया हुआ है, तो कार्तीय रूप में भी यही विधि लगाएंगे, 2x-3y+z=0 के समांतर समतल, इसके समांतर समतल है, तो इसमें क्या होगा, इसका अभिलंब का जो दिक अनुपात है 2-3 और 1, ये चेंज नहीं होगा, मतलब ऐसे का ऐसे ही रहेगा, 2x-3y+z=λ होगा, ऐसे लिख देंगे। अब इसको निकालने के लिए फिर एक बिंदु दिया है, यह 1-1 2 से जाता है, तो संतुष्ट कराएंगे, x एक जगह 1 रखेंगे तो 2 × 1, y की जगह -1 रखेंगे तो -1 रखेंगे, और ये +2 = λ, तो λ = 2 + 3 + 2, तो 7। तो समतल का समीकरण हो गया 2x-3y+z = 7, ये समांतर समतल का समीकरण होगा। अब देखते हैं इसके प्रतिच्छेदी रेखा से जाने वाला समतल, तो दो समतल के प्रतिच्छेदी रेखा से होकर के जाएगा जो समतल, तो दोनों समतल के समीकरण का क्या हो जाएगा, लगभग संतुष्ट करेगा दोनों रेखा के समीकरण को। तो जैसे प्रश्न क्रमांक 3, r डॉट 2i+j+2k -7=0, इसको ऐसे इस फॉर्म में लिख देते हैं कि इक्वल के बाद 0 हो, ये समतल = 1 है, और दूसरा समतल है r डॉट 2i+5j+3k -9=0, ये समतल 2 है। तो समतल 1 व 2 के प्रतिच्छेदी रेखा से जाने वाला समतल, प्रतिच्छेदी रेखा से होकर जाने वाला समतल क्या होगा कि दोनों के समीकरण को संतुष्ट करेगा, मतलब एक समतल के समीकरण को लिखेंगे r डॉट 2i+j+2k -7+λ करके दूसरे समतल के समीकरण को लिख देना है, r डॉट 2i+5j+3k -9=0, ये प्रतिच्छेदी रेखा से होकर जाने वाला समतल होगा। उसके साथ साथ दिया है यह 2, 1, 3 या 2i+j+3k से जाता है, इस बिंदु से जाता है, निर्देशांक दिया था उसको हमने सदिश बना दिया, तो ये बिंदु इसको संतुष्ट करेगा, r की जगह रखेंगे तो ये हो जाएगा 2i+j+3k डॉट 2i+j+2k -7+λ 2i+j+3k डॉट करके ये आएगा 2i
प्लस 5j प्लस 3k माइनस 9 इक्वल 0। तो अब डॉट प्रोडक्ट हम लेते हैं, 2 इंटू 2 4 होगा, 1 इंटू 1 1 होगा, 3 इंटू 2 6 होगा माइनस 7 प्लस लेमडा, 2 इंटू 2 4 होगा, 1 इंटू 5 5 होगा एंड 3 इंटू 3 9 होगा माइनस 9 इक्वल 0। तो ये 9 से 9 कट गया, ये 9 बचा और यहाँ हो गया 6 5 11 रिनेक, ये दोनों मिलकर 4 आया, 4 प्लस 9 लेमडा इक्वल टू 0, लेमडा इक्वल टू माइनस 4 अपान 9। तो इसको यहाँ पर रख देते हैं लेमडा इक्वल टू, तो जो हमारे समतल का समीकरण हो जाएगा आर डॉट 2i प्लस j प्लस 2k माइनस 7 माइनस लेमडा की जगह 4 अपान 9 आर डॉट 2i प्लस 5j प्लस 3k माइनस 9 इक्वल 0। तो अब क्या करते हैं, 9 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं और 4 का मल्टीप्लाई इसमें कर देते हैं। तो 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ब्रैकेट के अंदर ले जाते हैं, आर डॉट 89 प्लस 9j प्लस 18k माइनस 63 माइनस 4 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आर डॉट माइनस 4 करेंगे तो माइनस 8i माइनस 20j माइनस 12k प्लस 36 इक्वल 0। अब r को इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, r डॉट 89 माइनस 8i प्लस 9j माइनस 20j प्लस 18k माइनस 12k ये हो गया एंड माइनस 63 प्लस 36 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा r डॉट 10i माइनस 11j और प्लस 6 के 18 माइनस 12 6 के और ये हो जाएगा 327 माइनस 27 इक्वल 0। माइनस 63 प्लस 36 करेंगे तो ये वो प्रश्न क्रमांक 3। अब देखते हैं इसी प्रकार कार्तीय रूप में भी सॉल्व करना है। प्रतिच्छेदी रेखा से जाने वाले समतल निकालने का मतलब है कि उसके समीकरण एक के समीकरण में लेमडा का गुणा करके दूसरे में जोड़ देना है। प्रश्न क्रमांक 4, इसमें दो समतल दिया हुआ है 2x माइनस 7y प्लस 4z माइनस 3 इक्वल 0, ये समतल एक है एंड 3x माइनस 5y प्लस 4z प्लस 11 इक्वल 0, ये दूसरा समतल है। तो समतल 1 व 2 के प्रतिच्छेदी रेखा से जाने वाला समतल ये हो जाएगा 2x माइनस 7y प्लस 4z माइनस 3 प्लस लेमडा 3x माइनस 5y प्लस 4z प्लस 11 इक्वल 0। लेमडा निकालने के लिए कंडीशन दिया है, यह माइनस 213 से जाता है, जब इससे जाता है तो यह संतुष्ट करेगा, संतुष्ट यही करा देते हैं। x जगह माइनस 2 तो 2 इंटू माइनस 2 माइनस 7 इंटू वाई की जगह 1 प्लस 4 इंटू जेड की जगह 3 माइनस 3 प्लस लेमडा एक से जगह 3 इंटू माइनस 2 हो जाएगा माइनस 5 इंटू 1 एंड 4 4 इंटू 3 प्लस 11 इक्वल 0। तो ये माइनस 4 माइनस 7 प्लस 12 माइनस 3 प्लस लेमडा माइनस 6 माइनस 5 प्लस 12 प्लस 11 इक्वल 0। तो ये हो गया ऋण 14, तो ऋण 2 आएगा और यहाँ पर 6 5 11 11 कट गया 12 लेमडा इक्वल 0, तो लेमडा इक्वल टू 2 अपॉन 12 मीन्स 1 अपॉन 6 हो जाएगा। ऋण 5 ऋण 6 ऋण 11 इस 11 से कट गया है। अब लेमडा का मान हम यहाँ रख देते हैं तो समतल हो जाएगा 2x माइनस 7y प्लस 4z माइनस 3 प्लस 1 अपॉन 6 3x माइनस 5y प्लस 4z प्लस 11 इक्वल 0।
तो अब इसमें 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 6 है तो 12x माइनस 14y प्लस 8z माइनस 6, इसमें 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 3x माइनस 5y प्लस 4z प्लस 11 इक्वल 0। तो यहाँ पर 18 आएगा माइनस 18, 12x प्लस 3x 15x माइनस 14 माइनस माइनस 19y, 8z प्लस 4z तो 12z एंड माइनस 18 प्लस 11 तो माइनस 7 इक्वल 0। ये समतल का समीकरण होगा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न क्रमांक 5। समतल का समीकरण ज्ञात करना है जो प्रतिच्छेदी रेखा से जाता है और अन्य समतल के लंबवत है। अब प्रतिच्छेदी जा रहा है लेकिन उसमें लेमडा ज्ञात करने के लिए अलग कंडीशन दिया है, इसमें लेमडा ज्ञात करने के लिए अलग कंडीशन है। प्रश्न क्रमांक पाँच में समतल है x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 4 इक्वल 0, ये समतल एक है, और 2x प्लस y माइनस z प्लस 6 इक्वल 0, ये समतल दो है। तो जैसे हैं हर बार लिख रहे हैं, समतल एक व दो के प्रतिच्छेदी रेखा से जाने वाला समतल हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 3z माइनस 4 प्लस लेमडा इंटू 2x प्लस y माइनस z प्लस 6 इक्वल 0, ऐसे होगा। अब क्या दिया है, बिंदु दिया होता तो डायरेक्ट संतुष्ट करा के हम लेमडा का मान निकालते, लेकिन बिंदु न दे करके लंबवत समतल दिया है। लंबवत समतल दिया है तो इसको हम x y z का माने इस समतल का हम अभिलंब दिक अनुपात के फॉर्म में लिख लेते हैं, ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल 0 के फॉर्म में। तो x के साथ में यहाँ से 1 आएगा, यहाँ से 2 लेमडा आएगा, यहाँ 1 है यहाँ 2 लेमडा। y के साथ में यहाँ से 2 आएगा, यहाँ से लेमडा आएगा तो प्लस लेमडा। z के साथ में यहाँ से माइनस 3 आएगा और यहाँ से माइनस लेमडा आएगा, और अचर पद यहाँ से माइनस 4 प्लस 6 लेमडा इक्वल 0 हो जाएगा। ये समतल का ये फॉर्मेट हो गया। यह जो है तीसरा समतल है 5x प्लस 3y प्लस 6z प्लस 8 इक्वल 0 पर लंब है। जब इस पर लंब है तो इनके अभिलंब भी एक दूसरे के लंबवत होंगे, और अभिलंब एक दूसरे के लंबवत होंगे तो दिक अनुपातों के गुणनफल का योगफल 0 हो जाएगा, a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 इक्वल 0। तब इसका 5 है, इसका 1 प्लस 2 लेमडा है, इसका 3 है, इसका 2 प्लस लेमडा है, और इसका 6 है, और इसका माइनस 3 माइनस लेमडा है इक्वल 0। तो ये हो गया 5 प्लस 10 लेमडा प्लस 6 प्लस 3 लेमडा माइनस 18 माइनस 6 लेमडा इक्वल 0। तो 10 और 3 13, 13 में 6 गया तो 7 लेमडा, एंड 5 प्लस 6 11, 11 माइनस 18 तो माइनस 7 इक्वल 0, मीन्स लेमडा इक्वल टू 1। लेमडा इक्वल टू 1 है तो इस लाइन में रख देते हैं लेमडा का मान। लेमडा का मान इस लाइन में रखेंगे तो एक के साथ 1 प्लस 2 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो वाई के साथ में 2 प्लस 1 हो जाएगा, और जेड के साथ में माइनस 3 माइनस 1 माइनस 4 प्लस 6 हो जाएगा, लेमडा की जगह वन रखेंगे तो। इस प्रकार 3x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 2 इक्वल 0, माइनस 4 प्लस 6 प्लस 2 हो जाएगा। इस प्रकार समतल का समीकरण निकलेगा, लंब समतल दिया है तो। अब देखिए इसमें सदिश रूप में भी सेम क्वेश्चन रिपीट है। प्रश्न क्रमांक छह में है सदिश रूप में समतल है r डॉट 2y माइनस 3j प्लस 4k इक्वल 0 समतल एक, एंड r डॉट i माइनस j प्लस 4 इक्वल 0 समतल दो। तो इनकी प्रतिच्छेदी रेखा से जाने वाला समतल, समतल एक व दो के प्रतिच्छेदी रेखा से जाने वाले समतल का समीकरण हो जाएगा। इसमें अचर पद नहीं है तो लेमडा को इसी मल्टीप्लाई करना ज़्यादा अच्छा है, किसी में भी कर सकते हैं। इसमें अचर पद नहीं है तो इसमें लेमडा को मल्टीप्लाई करते हैं, आर आई माइनस जे आर डॉट प्लस 4 प्लस लेमडा इंटू आर डॉट 2i माइनस 3j प्लस 4k इक्वल 0। अब चूंकि इसमें लंबवत समतल दिया है तो फिर से पिछले क्वेश्चन जैसे इसको हम नॉर्म इस समतल के नॉर्मल फॉर्म में लिखते हैं,
अभी ये अलग अलग है, इसको ला के इस आर के साथ में जोड़ेंगे, तो आर के साथ में जब होगा तो आई के साथ हो जाएगा, यहाँ से वन और यहाँ से ये आई में टू लेमडा आएगा, दोनों आर को हम कॉमन ले लिए, वन प्लस टू लेमडा, और जे के साथ में यहाँ से माइनस वन और यहाँ से माइनस थ्री लेमडा, और के साथ में तो यहाँ नहीं है, यहाँ से फोर बस आएगा, फोर लेमडा, ऐसे प्लस फोर इक्वल जीरो। अब क्या है, यह आर डॉट अभिलंब समतल दिया हुआ है टू आई माइनस जे प्लस के प्लस एट इक्वल जीरो पर लंब है, जब ये इस पर लंब है तो इनके अभिलंब भी लंबवत होंगे, इसका अभिलंब ये है और इसका अभिलंब ये है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं हम, आई वन प्लस टू लेमडा प्लस जे माइनस वन माइनस थ्री लेमडा प्लस फोर लेमडा के डॉट टू आई माइनस जे प्लस के इक्वल जीरो, तो ये आई और ये आई मल्टीप्लाई होगा तो टू वन प्लस टू लेमडा, इधर माइनस वन है तो माइनस वन माइनस वन माइनस थ्री लेमडा, और इधर वन है इधर फोर लेमडा है तो प्लस फोर लेमडा इक्वल जीरो, तो टू प्लस फोर लेमडा प्लस वन प्लस थ्री लेमडा प्लस फोर लेमडा इक्वल जीरो, तो फोर फोर एट इलेवन, इलेवन लेमडा प्लस थ्री इक्वल जीरो, या लेमडा इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन इलेवन। अब लेमडा की वैल्यू जैसे फ्रैक्शन में है तो यहाँ रखना ठीक है, होल नंबर में रहता तो यहाँ रखे थे जैसे पिछले बार रखे थे, तो ये हो जाएगा आर डॉट आई माइनस जे प्लस फोर माइनस थ्री अपॉन इलेवन आर डॉट टू आई माइनस थ्री जे प्लस फोर के इक्वल जीरो, तो 11 का मल्टीप्लाई इस इधर हो जाएगा और माइनस थ्री का उधर हो जाएगा, तो आर डॉट 11i माइनस 11j प्लस 44 प्लस आर डॉट 3 का इसमें करेंगे तो 6i माइनस, अच्छा माइनस 3 है तो यहाँ माइनस डाल देते हैं, माइनस 6 और ये प्लस 9j माइनस 12k इक्वल जीरो। अब r कॉमन ले लेते हैं, r डॉट 11i माइनस 6i माइनस 11j प्लस 9j माइनस 12k प्लस 44 इक्वल जीरो, या आर डॉट 5i प्लस 2j माइनस 12k प्लस 44 इक्वल जीरो, ये समतल का समीकरण होगा। नेक्स्ट है, अब किसी बिंदु से समतल पर डालेगा लंब की लंबाई, इसको हम पहले भी बता चुके हैं, पहले भी कई जगह यूज हुआ था, दूसरे तरीके से किसी बिंदु की समतल से दूरी निकालते थे, उसको हम डायरेक्ट मेथड से बता चुके हैं, लेकिन जैसे यहाँ पर फिर से है तो फिर से हम बता रहे हैं इसको, किसी बिंदु का समतल से दूरी, किसी बिंदु का समतल से दूरी ज्ञात करना। सातवां, हमारे पास समतल है आर डॉट थ्री आई माइनस फोर जे प्लस 12k इक्वल जीरो, ये समतल है, और अपने पास बिंदु है 2i माइनस जे माइनस 4k, माइनस 4k से लंबवत दूरी ज्ञात करना है, तो जब दूरी ज्ञात करना है तो समीकरण में संतुष्ट करा देना है, समीकरण में संतुष्ट करा देना है और अभिलंब सदिश के कम मॉड नीचे में डाल देना है, मतलब ये हो जाएगा, यदि इस प्रकार r डॉट a इक्वल टू d, r डॉट n इक्वल टू d दिया है तो r डॉट n माइनस d इक्वल जीरो, तो किसी बिंदु r1 से डाला गया लंब का सूत्र हो जाएगा r1 डॉट n माइनस d अपॉन मॉड ऑफ n, ऐसे मतलब r की जगह इसको संतुष्ट कराएंगे 2i माइनस j माइनस 4k डॉट 3i माइनस 4j प्लस 12k, अचर पद रहता तो उसको भी लिखते अपॉन, ये लंब की लंबाई p है, इसका मॉड 3i माइनस 4j प्लस 12k, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 1 इंटू माइनस 4 माइनस 4 इंटू 12 अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर
प्लस माइनस फोर स्क्वायर प्लस ट्वेल्व स्क्वायर, तो ये आगे हो जाएगा 6 प्लस 4 माइनस 48 अपॉन 6 प्लस 4 माइनस 48 9 प्लस 16 प्लस 144, ये 169 हो जाएगा, तो अपान में 13 आ जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 38, तो जो दूरी होगा 38 अपान 13 होगा, नेगेटिव में नहीं होता है। तो इस प्रकार क्या हुआ कि किसी समतल से किसी बिंदु की लंबवत दूरी ज्ञात करने का ये मेथड हुआ। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्तीय फॉर्म में रहेगा तो भी वही है, संतुष्ट कराना है और उसके अभिलंब के दिक अनुपात का वर्गों का योगफल का वर्गमूल लेना है। यह देखिए प्रश्न क्रमांक 8, हमारे पास समतल है x प्लस 2y माइनस 2z माइनस 9 इक्वल 0, इसका हमको 2, 3, 5 से दूरी ज्ञात करना है। तो 2, 3, 5 से दूरी बराबर x की जगह 2 रखो, y की जगह 3 रखो, तो 2 प्लस 3 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 9 अपॉन अंडर रूट x का गुणांक 1, तो 1 y का गुणांक 2, 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया 2 प्लस 6 माइनस 10 माइनस 9 अपॉन 1 प्लस 4 प्लस 4 यानी 9 आ जाएगा, तो ये 8 हो गया माइनस 1 माइनस 11 अपॉन 3 या 11 अपॉन 3 इसकी दूरी होगी। अब ये दूरी के आधार पर समांतर समतल निकालना है, दूरी के आधार पर समांतर समतल ज्ञात करना है। प्रश्न क्रमांक 9, हमारे पास समतल है x प्लस 2y माइनस 2z प्लस 8 इक्वल 0, इसके समांतर समतल हमको ज्ञात करना है। तो इसके समांतर समतल हो जाएगा x प्लस 2y माइनस 2z, दिक अनुपात वही रहेगा, तो अभिलंब का यहाँ लेमडा आ जाएगा। अब क्या है कि इस समतल का इसका 2, 2, 1 से दूरी 2 है, तो दूरी निकाल देते हैं x से जगह 2, y के जगह 2, z के जगह 1 प्लस लेमडा अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 2 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 2। जब दूरी दिया है तो कभी देख रहे हैं कभी प्लस भी आ जाता है दूरी, कभी माइनस भी आ जाता है, तो उसको प्लस माइनस ले लेंगे हम, दूरी कभी प्लस कभी माइनस आते रहता है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 4 माइनस 2 प्लस लेमडा अपॉन 4 प्लस 4 प्लस 1 9, 9 का वर्गमूल 3 इक्वल टू प्लस माइनस 2, तो 2 2 कट गया, 4 लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 2 सॉरी प्लस माइनस 6, 3 टू जो 6, तो लेमडा इक्वल टू प्लस माइनस 6 अपॉन 4 यानी प्लस माइनस 3/2 हो जाएगा। तो इस प्रकार समतल का समीकरण x प्लस 2y माइनस 2z प्लस माइनस 3/2 इक्वल टू 0, यानी दो समतल ऐसा होगा 2x प्लस 4y माइनस 4z प्लस माइनस 3 इक्वल 0, समांतर समतल मिलेगा, अचर पद बस बदलेगा। नेक्स्ट है दो समांतर समतलों के बीच की दूरी ज्ञात करना, x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 4 इक्वल 0 एंड x प्लस वाई माइनस जेड प्लस 5 इक्वल 0। तो इसको बनाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, हम क्या करते हैं इसमें एक बिंदु चूज कर लेते हैं, इसमें एक बिंदु चूज करके उस बिंदु से इस पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कर लेंगे, तो भी इनके बीच की दूरी निकल जाएगा। दूसरा ये है कि एक बिंदु ले लेंगे इसके समांतर समतल, यही मेथड ठीक है, जैसे इसमें हम दो को जीरो ले लेते हैं, x बराबर जीरो और y बराबर जीरो ले लेते हैं एक में,
ये दोनों समांतर समतल है, तो एक में x बराबर 0, y बराबर 0, तो z इक्वल टू 4। तो समतल एक में एक बिंदु 0, 0, 4 है, इस बिंदु से समतल दो पर डाला गया लंब की लंबाई निकाल लेते हैं। समतल दो पर संतुष्ट कराते हैं हम इसको, तो 0 प्लस 0 माइनस 4 प्लस 5 अपॉन अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस माइनस 1 स्क्वायर, तो ऊपर 1 आ गया, नीचे रूट 3। तो ये इन समतलों के बीच की दूरी हुआ। अब यही सदिश रूप में दिया गया है, यही सदिश रूप में दिया गया है, तो उसको देखिए, सदिश को कार्तीय रूप में और कार्तिक को सदिश रूप में चेंज करने का पहले हम कई क्वेश्चन बता चुके हैं, उस आधार पर बना सकते हैं। इसमें जो कार्तीय रूप में ज़्यादा सरल है, ये i प्लस 2j प्लस 3k प्लस 7 इक्वल 0। तो r की जगह एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के लिख देते हैं, डॉट i प्लस 2j प्लस 3k प्लस 7 इक्वल 0। तो i का i से करेंगे तो x 2y प्लस 3z प्लस 7 इक्वल 0। ये समतल एक का कार्तीय समीकरण हो गया। इसी प्रकार समतल दो है, r डॉट 2i प्लस 4j प्लस 6k प्लस 7 इक्वल 0। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 6z प्लस 7 इक्वल 0। ये समतल दो हो गया। अब क्या करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार बिंदु चूज, अपनी सुविधा के अनुसार बिंदु चूज कर सकते हैं। पिछले बार में क्या था, एक्स वाई माइनस जेड था, फिर प्लस था, तो मैंने जेड को नॉन जीरो रखा। इसमें वाई और जेड को जीरो रख लेते हैं, तो एक्स इक्वल माइनस सेवन आ जाएगा। एक में क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू जीरो कर लेते हैं, तो एक्स इक्वल टू माइनस सेवन यहाँ से। तो समतल एक में माइनस सेवन जीरो जीरो बिंदु है। अभी इस बिंदु से समतल दो पर डाले गए लंब की लंबाई निकालेंगे। तो ये माइनस सेवन इसमें संतुष्ट कराएंगे, टू इंटू माइनस सेवन, ये दोनों तो जीरो जीरो हो जाएगा, प्लस सेवन अपॉन अंडर रूट टू स्क्वेयर प्लस फोर स्क्वेयर प्लस सिक्स स्क्वेयर। तो ये माइनस फोर्टीन प्लस सेवन, तो माइनस सेवन आ गया। नीचे में अंडर रूट छत्तीस धन टू फोर सिक्स है, टू फोर सिक्स ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 16 प्लस 36, तो 56 आ जाएगा, माइनस 7 अपान रूट 56, यानी 7 अपान रूट 56 आ जाएगा। इस प्रकार समतल की बीच की दूरी निकाला। इस प्रकार ये चैप्टर, ये वाला पार्ट समाप्त होता है। अगले लेक्चर में त्रिविमीय ज्यामिति का हम रेखा और समतल का मिक्स क्वेश्चन देखेंगे। धन्यवाद।